Next topic is center of gravity. Center of gravity. So before starting this topic, let us consider an example of a rectangular plate. So I have a rectangular plate in my hand. Suppose I want to balance it at my fingertip. I have balanced it at this point. I have balanced at a point here, just below this point. Okay. You can see this rectangular plate is balanced below this point with the help of my fingertip. So you can see this rectangular plate is balanced at my fingertip at a point just below this point. So I can see its center of gravity lies at this point. So we can say the center of gravity is a point where I can balance an object above my fingertip. You can see this is a large rectangular plate. इसको balance करना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैंने इसको यहाँ पर balance कर दिया है. तो जिस point पर यह balance हो चुका है वो point इसका क्या है? Center of gravity है. तो जिस point पर यह balance हो चुका है वो point इसका क्या है? Center of gravity है. अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, अगर कोई रेक्टेंगल हो तो उसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा, तो रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ पे होता है? जहाँ पे उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, और लकली रेक्टेंगल का सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर लाई करता है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी यूनिफॉर्म रेगुलर ज्योमेट्रिक बॉडी. दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी यूनिफॉर्म रेगुलर ज्योमेट्रिक बॉडी. जैसे अगर मान लो एक मीटर स्केल ले लो, तो मीटर स्केल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा? तो उसके ठीक मिड पे, मतलब कि 50 सेंटीमीटर मार्क पे. मीटर स्केल का जहाँ पे 50 सेंटीमीटर मार्क होगा वहीं पे उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाया करेगा. अगर एक सर्कुलर डिस्क ले लिया जाए और तुमसे पूछ दिया जाए कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा? तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर. ठीक है, ये सब तो बोलने की बात होगी. अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं. देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात करूँ, अगर मैं इस रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात करूँ, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और अलग अलग पार्टिकल का वेट अलग जगह से लग रहा होगा. ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग मास होगा. तो अलग अलग पार्टिकल पे ग्रेविटी के कारण अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, अलग अलग पार्टिकल पे अर्थ के कारण अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा. ठीक है, तो कुछ पार्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड में है और कुछ पार्टिकल सेंटर के राइट साइड में है. सेंटर के लेफ्ट साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और सेंटर के राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका भी वेट किस साइड में लग रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सेंटर के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी पार्टिकल कंसीडर कर लूँ तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और इस वेट के कारण इस पर जो टॉर्क होगा वो किस सेंस में लगेगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. ठीक है, तो सेंटर के लेफ्ट साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके कारण, सबके वेट के कारण जो टॉर्क होगा वो किस सेंस में होगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. सिमिलरली सेंटर के राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबके कारण वेट लग रहा होगा, वेट किस साइड में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और इस वेट के कारण जो टॉर्क होगा वो किस सेंस में होगा? तो क्लॉकवाइज सेंस में. सेंटर के राइट साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और वेट के कारण सेंटर के अबाउट जो टॉर्क होगा वो किस सेंस में होगा? क्लॉकवाइज सेंस में होगा. इस साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके कारण टॉर्क किस सेंस में लग रहा है? तो क्लॉकवाइज सेंस में. और इस साइड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके कारण जो टॉर्क लग रहा है वो किस सेंस में लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रेक्टेंगुलर स्लिट बैलेंस्ड है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये क्या है? बैलेंस्ड है. तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वी कैन से दैट कि नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू नेट क्लॉकवाइज टॉर्क, और दोनों जब बैलेंस कर जाएंगे तो सिस्टम क्या चीज़ में होगा? इक्विलिब्रियम में होगा.
तो अब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइन कर सकते हैं. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर अलजेब्रिक सम ऑफ टॉर्क ड्यू टू वेट्स इज ज़ीरो. मतलब जितना भी वेट है सबके कारण जो टॉर्क लग रहा है उसका अलजेब्रिक सम क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज ज़ीरो. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज ज़ीरो. ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं. मान लो कि एक रिजिड बॉडी है, मान लो इस तरह का एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पे है. ठीक है, तो इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबका वेट अलग अलग जगह पे लग रहा होगा, m1g m2g एंड सो ऑन. ठीक है, और मान लो कि इस बॉडी का टोटल मास m है, इस बॉडी का टोटल मास क्या है, m है. इस इंटायर बॉडी का वेट कहाँ से लगेगा, तो इस इंटायर बॉडी का वेट इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा. ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई बॉडी है जिसका मास m है, तो अर्थ उसको पुल कर रहा होगा विथ ए फोर्स mg. अब ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, ये जो mg है वो कहाँ पर लग रहा है, पूरे बॉडी का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा. ठीक है, द इंटायर वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. देखो, एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल का वेट अलग अलग जगह पे लग रहा होगा, लेकिन पूरे बॉडी का वेट किस जगह पे लग रहा होगा, तो आंसर इज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अगर कोई भी बॉडी कंसिडर कर लें तो उसका जो वेट होगा वो कहाँ से एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से कोइंसाइड करेगा. मान लो कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यहीं पे होगा. ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि इसका वेट कहाँ से लगेगा, तो इसका वेट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही लगेगा, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा. ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी कंसिडर कर लिया जाए तो उसका वेट कहाँ से लगेगा, तो उसका वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लगेगा. ठीक है, द इंटायर वेट ऑफ ए बॉडी एक्ट्स एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर कोई यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल बॉडी ले लिया जाए, कोई यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल बॉडी ले लिया जाए, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है. उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्कल ले लिया जाए या सर्कुलर रिंग ले लो, अगर एक सर्कुलर रिंग ले लो तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, तो सर्कल के सेंटर पे, और उसी जगह पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट इज दिस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल बॉडी लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर. ठीक है, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. सबसे पहले यूनिफॉर्म रॉड ले लिया जाए. ठीक है, तो अगर मान लो इस तरह का एक रॉड है, इस तरह का एक रॉड है, और ये थिन रॉड है, इसका लेंथ एल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, इसके मिड पॉइंट पे. अगर मान लो कि इस रॉड का लेंथ एल है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेफ्ट साइड से एल बाई टू डिस्टेंस पे लाइक करेगा. ठीक है, इसके बाद कुछ और पॉइंट ऑब्जर्व करो. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका सेंटर अप्लाई कर रहा है, सेंटर से लेफ्ट साइड में जितना लेंथ है उतना ही लेंथ राइट साइड में होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस रॉड इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. हम क्या बोल सकते हैं, दिस रॉड इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी. कि जो रॉड है
और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो मान लो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि ये जो रिंग है एक वायर से बना हुआ है, उस वायर का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उस वायर का मास है 10 ग्राम। फिर से, जिस वायर से ये रिंग बना हुआ है उसका लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर और उसका मास मान लो 10 ग्राम। अब ऐसा करो कि रिंग को 10 इक्वल पार्ट्स में कट कर दो, ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो सबका मास कितना होना चाहिए, 1 ग्राम। तो अगर रिंग को 10 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर दी तो सबका लेंथ हो गया 1-1 सेंटीमीटर, और अगर सबका मास भी 1-1 ग्राम हो जाए तब हम बोलेंगे इसको यूनिफॉर्म। ऐसा भी हो सकता था कि किसी का मास ज़्यादा हो जाए, किसी का मास कम हो जाए, मतलब एक साइड भारी रहे और एक साइड हल्का रहे, तब उसको यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म मतलब ये हुआ कि अगर इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं तो मास भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिंग का मतलब ये हुआ कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर बराबर बराबर पार्ट में कट किया जाए तो बराबर बराबर मास होगा। इसी एग्जाम्पल में अगर 2 इक्वल हाफ में कट कर दिया जाए 5-5 सेंटीमीटर का, तो उसका मास कितना कितना होना चाहिए, 5 ग्राम 5 ग्राम। अगर 5 ग्राम 5 ग्राम हुआ तब बोलेंगे यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बराबर बराबर पार्ट में कट किए, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के लेंथ में कट किए, लेकिन एक साइड में मास है 6 ग्राम और एक साइड में मास है 4 ग्राम, तो जिधर 6 ग्राम है उधर भारी हो गया, जिधर 4 ग्राम है उधर हल्का हो गया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ये हुआ कि मास ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब बराबर बराबर कट किया जाए तो बराबर बराबर मास होगा, ठीक है। एक और चीज़, इस रिंग के बारे में बात करें तो इस रिंग का मास सिर्फ पेरीफेरी पे है, मतलब रिंग पे ही है, मतलब सर्कमफेरेंस पे ही है, मास अंदर में नहीं है। मैं रिंग ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, रिंग, तो रिंग का मास सिर्फ पेरीफेरी पे है, अंदर में कोई मास नहीं है। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट पे है जहाँ पे मास नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट पे है जहाँ पे मास नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाइज आउटसाइड ए बॉडी। लाई आउटसाइड ए बॉडी बोलने का मतलब ये हुआ कि लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कैन लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ ए बॉडी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कैन लाई आउटसाइड द बॉडी, मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी कैन लाई आउटसाइड द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी का मटेरियल तो पेरीफेरी पे है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे है, तो मटेरियल के बाहर है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो ऐसा हो जाए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ना होकर के यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हो जाए, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क मीन्स लाइक ए कॉइन। रिंग में मास बस फेरी फेरी पे होता है, डिस्क में मास एवरीवेयर होगा जैसे कॉइन। तो अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ले लिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो अगर कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ले लिया जाए तो उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ठीक है। इसके बाद अगर तुम कोई रेक्टेंगुलर शीट ले लो, या पैरेललोग्राम ले लो, या फिर रोम्बस ले लो, या फिर स्क्वायर ले लो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे उसके डायगोनल्स मीट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई रेक्टेंगल ले लो, या कोई स्क्वायर ले लो, या रोम्बस ले लो, या पैरेललोग्राम ले लो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे इसका डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर शीट को ले लो और उसके सेंटर पे अगर उसको बैलेंस करना चाहें विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर टिप, तो बैलेंस हो जाएगा। यू कैन डू इट एट योर होम, ट्राई इट एट योर होम, ठीक है।
तो मान लो कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इस तरह का एक सेमी सर्कुलर रिंग है, अगर ये पूरा रिंग होता, कंप्लीट रिंग होता, तो सेंटर यहाँ पे कहीं पे लाइक करता, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा। सपोज कि रेडियस ऑफ द रिंग इज आर एंड द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सपोज दिस लाइन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, एल ओ एस लिख रहा हूँ, एल ओ एस मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सपोज दिस लाइन इज लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे अगर रिंग को फोल्ड कर दिया जाए तो ओवरलैप कर जाएगा, कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री एक लाइन होता है जिसके अबाउट अगर रिंग को फोल्ड किया जाए तो कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। तो सपोज दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, इफ़ इट एग्जिस्ट। तो अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन बॉडी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाइज ऑन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी लाइज ऑन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मान लो कि ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाइक करेगा, लेकिन कहाँ पे? तो विदाउट एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तुम्हें पढ़ना है स्टैंडर्ड 11th में, कैलकुलेशन पढ़ना है तुम्हें स्टैंडर्ड 11 में, ठीक है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट ए डिस्टेंस 2r/π डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर। मीन्स अगर पूरा रिंग होता तो उसका सेंटर यहाँ पे लाइक करता है, तो उस सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना डिस्टेंस पे है? 2r/π डिस्टेंस पे ऑन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ये हो गया सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। अगर ये रिंग नहीं हो, ये सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाए, अगर सेमी सर्कुलर रिंग ना हो करके सेमी सर्कुलर डिस्क हो जाए, डिस्क मतलब पूरा सॉलिड, ठीक है। तो मान लो कि दिस इज ए सेमी सर्कुलर डिस्क हुई रेडियस इज आर, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वंस अगेन लाइज ऑन इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर ये पूरा डिस्क होता तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होता, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से 4r/3π डिस्टेंस पे होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा? 4r/3π डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके बाद एक ट्रायंगुलर शीट, इसको लेमिना भी बोलते हैं। लेमिना बोलने का मतलब ये हुआ कि उसका थिकनेस नेगलिजिबल है, जो ट्रायंगल है उसका थिकनेस क्या है? नेगलिजिबल है, बस ट्रायंगल है। मतलब एक पेपर लो और पेपर से ट्रायंगल बना दो, तो पेपर का थिकनेस क्या होता है? नेगलिजिबल, तो उसको हम लेमिना बोलेंगे। तो लेमिना मतलब एक टू डायमेंशनल बॉडी जिसका थिकनेस क्या हो? नेगलिजिबल हो। तो मान लो कि एक ट्रायंगुलर शीट है या ट्रायंगुलर लेमिना है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताना हो, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब क्वेश्चन ये है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ अप्लाई करता है? तो इसके सेंट्रोइड पे। कहाँ पे? सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड, सेंटर सेंट्रोइड, सेंटर सेंट्रोइड। तो ट्रायंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ अप्लाई करता है? तो उसके सेंट्रोइड पे। और सेंट्रोइड क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस या पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट। तो सेंट्रोइड क्या होता है? तो सेंट्रोइड इज ए पॉइंट वेयर मीडियंस इंटरसेक्ट, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शीट के लिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ अप्लाई करेगा? जहाँ पे उसका मीडियन इंटरसेक्ट करेगा। तो दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
The center of gravity lies at its centroid. और centroid क्या होगा? The where medians intersect. इसके बाद अगर solid या hollow uniform sphere ले लो, तो उसका center of gravity कहाँ apply करेगा? तो obviously at the center of the sphere. लेकिन अगर hemisphere ले लिया जाए, तब क्या होगा? Let us see. मान लो इस तरह का एक hemisphere है. पहले hollow hemisphere consider करो. तो मान लो इस तरह का एक hollow hemisphere है. Hollow hemisphere बोलने का मतलब ये हुआ कि hemisphere जिस material से बना हुआ है, उसका thickness negligible है. तो यहाँ जो hollow hemisphere है, इसको और अच्छे से बोलना चाहिए hemispherical cell. Hemispherical cell. मान लो कि इस cell का radius है r. इस cell का radius क्या है? R है. ठीक है. और इसका जो line of symmetry है, वो कुछ ऐसा है. तो suppose this is line of symmetry. ठीक है. तो इसका center of gravity line of symmetry पे ही कहीं लाया करेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो इस जगह पे लाई कर रहा है. तो दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू. मतलब अगर मान लो कि अगर पूरा स्फेयर होता, तो उसका सेंटर यहाँ पे लाई करता है, और उस सेंटर से आर बाई टू डिस्टेंस पे लाइन ऑफ सिमेट्री पे इस हेमी स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा. लेकिन कैसा हेमी स्फेयर? हॉलो हेमी स्फेयर. ठीक है. सपोज ये हॉलो हेमिस्फेयर नहीं है, ये सॉलिड हेमिस्फेयर हो जाए. क्या हो जाए? सॉलिड हेमिस्फेयर. ठीक है. तो मान लो कि ये सॉलिड हेमिस्फेयर हो गया, जिसका रेडियस आर है. तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करेगा? तो लाई करेगा 3r/8 डिस्टेंस पे. तो लाई करेगा 3r/8 डिस्टेंस पे. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉलो कौन का, हॉलो कोन का. तो मान लो एक हॉलो कोन है जिसका हाइट h है, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके एक्सिस पे लाई करेगा, जो कि बेस के सेंटर से h/3 हाइट पे होगा. बेस के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे? h/3 हाइट पे. लेकिन कैसा कोन होना चाहिए? हॉलो कोन. ठीक है. इसके बाद सॉलिड कोन. सॉलिड कोन में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा? तो h/4 डिस्टेंस पे. तो सॉलिड कोन में h/4 डिस्टेंस पे, और हॉलो कोन में कितना डिस्टेंस पे? h/3 डिस्टेंस पे. तो ये याद रखो. ठीक है, इतना याद रखो. अब कुछ और पॉइंट्स. मान लो कोई भी बॉडी ले लो, ठीक है, उसको एक रस्सी की हेल्प से सस्पेंड कर दो. जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगुलर सीट है. ठीक है. रेक्टेंगुलर सीट में यहाँ पे एज के पास एक होल कर दिए. होल करने के बाद में इसमें एक रस्सी बांध दिए. रस्सी बांध करके इसको कहीं पे सस्पेंड कर दिए, मतलब कहीं पे फिक्स कर दिए, और फिक्स करके इसको छोड़ दिए. तो फिक्स करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे नहीं रहेगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा. इसका पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है. पोजीशन कुछ इस तरह से होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मान लो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो है, उसके वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. किसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसके क्या होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. कब? इक्विलिब्रियम में. ठीक है. तो मान लो कि कोई भी बॉडी है, उसको एक स्ट्रिंग के हेल्प से सस्पेंड कर दो. सस्पेंड होने के बाद में मान लो कि बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया, सच डैट कि इट कम्प्लीटली स्टॉप्स. सस्पेंड करने के बाद में मान लो कि बॉडी स्टॉप कर गया, मतलब कि इक्विलिब्रियम में आ गया. तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसके सस्पेंशन पॉइंट के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो कहाँ अप्लाई करेगा? तो सस्पेंशन पॉइंट के वर्टिकली डाउनवर्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और इसका हम लोग खूब यूज करेंगे इन स्टैंडर्ड 11th. ठीक है. इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत यूज करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th में. अभी तो बस ये जान लेना है कि इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या हुआ? कि यहाँ से अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से
एक वर्टिकल लाइन खींच दें, एक वर्टिकल लाइन खींच दें तो लाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करेगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो कि इफ ए बॉडी इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इन इक्विलिब्रियम। फिर से कि इफ ए बॉडी इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो इट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लो, इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से सस्पेंड कर दो, तो इक्विलिब्रियम में इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके सस्पेंशन पॉइंट के वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। मतलब अगर हम इसको मिला दें, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो जाए और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2r/π वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जो सेमी सर्कुलर रिंग होते हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस पे लाई करता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे 2r/π डिस्टेंस पे लाई करता है, ठीक है। और जब इसको सस्पेंड कर देंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो इतना सारा कुछ है, दिमाग में रखो, ज़्यादा कुछ तो है नहीं।